हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिटेल ग्राफ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिटेल ग्राफ में रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट्स, ट्रांजेक्शन स्टेटस रिपोर्ट्स, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, प्रॉफिट रिपोर्ट्स, कस्टमर रिपोर्ट्स आदि। सबसे पहले हम सेल्स रिपोर्ट्स पे जाते हैं। सेल्स रिपोर्ट्स में हमें अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, जैसे प्रोडक्ट वाइज सेल्स, सेल्स ट्रांजेक्शन, डेली रिपोर्ट, चेकलिस्ट, रेफर वाइज सेल्स, सेल्स डिटेल रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, कलेक्शन रिपोर्ट, रिटर्न स्टेटस रिपोर्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह इसका विंडो ओपन होगा। यहाँ हम डेट सेलेक्शन कर सकते हैं कि किस डेट की रिपोर्ट हमें देखनी है। आगे के कॉलम में हम रिपोर्ट का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स को किस में देखना है, उसकी समरी में, डिटेल में, मंथ वाइज, डे वाइज, मंथली, क्वार्टरली, इस तरह से। मैंने यहाँ डिटेल सेलेक्ट किया। फिर सेल्स में जाएंगे। यहाँ भी हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सेल्स का रिपोर्ट देखना है, सेल रिटर्न का देखना है, सेल क्रेडिट नोट का रिपोर्ट देखना है। हम हमारे अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिपोर्ट फिल्टर करने का भी ऑप्शन है। इसके बाद हम इसे व्यू करेंगे। यहाँ हम हमारे अकॉर्डिंग जो भी कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ राइट क्लिक करके इस विंडो पर सेट ग्रिड लेआउट में यहाँ से कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने एरिया कॉलम का सिलेक्शन किया और सेव किया और फिर व्यू किया तो यहाँ रिपोर्ट शो होगी। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालिसिस ऑप्शन के जरिए भी सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल के बाद हम सेल ट्रांजेक्शन, डेली रिपोर्ट्स, जो डेली हमने क्या क्या सेव किया है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद चेकलिस्ट, रेफर बाय वाइज सेल, सेल्स डिटेल रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, कलेक्शन रिपोर्ट, जिस जिस कस्टमर से हमने कलेक्शन किया है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। रिटर्न स्टेटस रिपोर्ट, जिस भी कस्टमर से हमने रिटर्न लिया है उसकी रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं परचेज रिपोर्ट्स पे। इसमें भी सेल्स रिपोर्ट की तरह हमें ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें परचेज का डाटा आएगा। हम प्रोडक्ट वाइज परचेज रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम रिपोर्ट्स का सिलेक्शन करेंगे कि किस तरह हमें रिपोर्ट चाहिए, जैसे उसकी समरी, डिटेल, मंथ वाइज। मैं डिटेल ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। परचेज में परचेज रिपोर्ट्स ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करूँगा। परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। जो भी हमें रिपोर्ट देखनी है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर व्यू करेंगे। सेम पहले के जैसे यहाँ पे आवश्यकता अनुसार कॉलम सेट करना है तो इस विंडो पे राइट क्लिक करके सेट ग्रिड लेआउट पे जाएंगे। यहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्शन करके इसे सेव कर देंगे और फिर व्यू करेंगे तो वो कॉलम आपको यहाँ इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे मैंने बैच कॉलम का सिलेक्शन करके व्यू किया तो मुझे बैच कॉलम यहाँ मिल गया। सेम इसी तरह परचेज रिपोर्ट में भी रिपोर्ट्स का टाइप दिया गया है, जैसे डेली रिपोर्ट्स, चेकलिस्ट, प्रोडक्ट वाइज परचेज, एबीसी एनालिसिस, मार्जिन रिपोर्ट। मार्जिन रिपोर्ट में हम वेंडर से कितना मार्जिन मिला है उसकी रिपोर्ट मिलेगी। परचेज डिटेल रिपोर्ट में परचेज का डिटेल रिपोर्ट आएगा। वेंडर लेजर में वेंडर ने जो पेमेंट किया है उसमें ड्यू कितना है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। पेमेंट रिपोर्ट में वेंडर का कितना पेमेंट जमा है उसका रिपोर्ट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेल्स रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट के बारे में समझा और रिपोर्ट्स के अदर ट्रांजेक्शन्स को हम हमारे दूसरे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more details, kindly visit www.swindia.com.